कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं। और आज हमने सफ़र शुरू कर दिया अपना मुजफ्फरबाद की तरफ, और हम मुजफ्फरबाद जाएंगे आज मरी वाले रास्ते से होते हुए मुजफ्फरबाद हमें जाना है, वहाँ पे हम रुकेंगे एक दिन, और फिर उसके बाद जो है वो नीलम वैली का सफ़र शुरू होगा, क्योंकि नीलम वैली का सीज़न नहीं है ये और बहुत शदीद ठंड होती है, लेकिन हम जा रहे हैं ठंड इन्जॉय करने के लिए। बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, खूबसूरत रास्ता यहाँ से शुरू हो गया है, पहाड़ के दामन में हम चल रहे हैं इस वक्त। अगर आपको फुरकान दिखाएं तो हम आपको थोड़ी सी आपको इस अपने रास्ते के बारे में दिखाते हैं। और जी इस वक्त हम गुज़र आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं, और दरियाए नीलम के साथ साथ ये पूरी मोटरवे जिस पे जिससे हम गुज़र रहे हैं, दरियाए नीलम आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत और दरियाए बहुत ही दिलकश मनाज़र हैं यहाँ के, और हम किसी कट से गुज़रें तो आपको हम ज़रूर दिखाते हैं दरिया दोबारा से। ये आपको दरिया दिखेगा, साथ साथ नीचे दरिया चल रहा है, और सियाहती मकसद के लिए हम आए, तो ये अगर हम यहाँ पे आपको नज़र आए मुझे तो आएगा। ये दरिया देखें आप, दरिया नीलम, ये दरिया नीलम आ रहा है वादी नीलम से होता हुआ, बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के इस वादी के। अस्सलाम वालेकुम जी, हम पहुंच गए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, दाखिल हो चुके हैं, और फरहान साहब मौजूद हैं साथ साथ, और ये देखें दरियाए नीलम का बड़ा ही खूबसूरत मंज़र। ये इस वक्त हम दरियाए नीलम के साथ साथ जो पूरी एक मोटरवे बनाई गई है, इस मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, और कोई आधे घंटे में इंशाल्लाह मुजफ्फरबाद पहुँचेंगे। मुजफ्फरबाद में हम एक दिन का आज स्टे करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा सा घूमें फिरेंगे, और कल इंशाल्लाह हम नीलम की तरफ जो है रवाना होंगे। ये देख सकते हैं दरियाए नीलम आप, बड़े ही खूबसूरत दरिया है पहाड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ, और ये शाहरा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दरियाए नीलम के साथ साथ जो है ये शाहरा है। कौन सा कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये चाहूँगा कि जो रास्ते में हालत ख़राब हो रही है, बहुत खतरनाक रास्ता है ये रोड, और नीचे काफ़ी गहराई भी है, खाइयाँ हैं काफ़ी, तो और रोड भी जो है स्ट्रेट नहीं है, टर्न है, टर्न टर्न इधर से लेफ्ट इधर से राइट यही, और अभी हम लोग जब मरी से निकले हैं तो फिर अब नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब स्लो भी है आगे डाउन की तरफ। खान साहब का असल में पहला टूर है शुमाली इलाका जात का, कश्मीर का, तो इसकी वजह से इनको थोड़ा सा फील हो रहा है। मैं चूँकि पहले भी नारायण का खान और बालाकोट, एबटाबाद, मरी और इन जगहों पे जा चुका हूँ, तो थोड़ी सी मानुसियत है, थोड़ी सी घबराहट तो हमें भी है, लेकिन मुझे भी है, लेकिन यह है कि पिछले सफ़र की वजह से काफ़ी पुरसकून सफ़र गुजर रहे हैं माशाल्लाह। हमारे ड्राइवर साहब भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं, इनके साथ हमारा सफ़र बड़ा अच्छा गुजर रहा है। ये पहाड़ों के बीच अगर आपको देखें सूरज, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। ये आपको हम दिखाएंगे दरियाए नीलम नीचे से गुजरता हुआ, चलें जी हमारा सफ़र तो चलता रहेगा, अभी भी कोई एक घंटे का सफ़र है करीब, बाकी 30-35 किलोमीटर है अभी
मुजफ़्फ़राबाद। तो हम पहुँचते हैं या कहीं पर रुकेंगे तो किसी अच्छी जगह पर, तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी क्या हाल है। हम हैं इस वक्त मुजफ़्फ़राबाद के इस ब्रिज के ऊपर जहाँ पे दो दरियाओं का संगम होता है, झेलम और नीलम। और ये बड़ा ही बड़ी खूबसूरत जगह है। आप हमारे आँखों में देख रहे होंगे फरकान, अगर थोड़ा सा कैमरा ऊपर की जानिब करें तो ये ऊपर शहर दिखाएं, पीछे जानी जो शहर नज़र आ रहा है ये बिल्कुल, ये पीछे रोशनी है, ये मुजफ़्फ़राबाद शहर है। और हमारे सामने हम दरिया के बिल्कुल एन ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, जो आपको हम शॉट दिखाएँगे। रात का वक्त हो गया है लेकिन आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हम दिन में आपको इंशाल्लाह दोबारा जब हम आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और हम अब मुजफ़्फ़राबाद से आज हम रवाना हो रहे हैं मुकाम की तरफ, नीलम वैली एट मुकाम जाएंगे पहले हम, और वहाँ पर कल आज का दिन रुकेंगे हम। कल सुबह फिर जाएँगे शारदा, और शारदा के बाद है केल का इरादा है। केल वैसे मुश्किल लग रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंड है यहाँ भी। आप देख रहे हैं क्या हमारे पहनावे देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कराची से बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं इस मौसम में इन जगहों पे आने की, लेकिन हमने हिम्मत की है। ठंडे इलाकों का मज़ा ठंडे मौसम के अंदर होता है, और गर्मी में तो ठीक है अच्छा मौसम होता है लोग वहाँ चले जाते हैं, लेकिन ठंड में बर्फबारी देखना ये सारी। तो ये अट मुकाम की गाड़ी गाड़ी है, ये अट मुकाम की, और अट मुकाम से टोयोटा के जरिए वो लाइफ के जरिए जाएंगे अट मुकाम। अट मुकाम में हमारे एक साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जुबैर भाई। जुबैर भाई से हम रब्ता करेंगे, वो हमें वहाँ पर थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे, और उसके बाद फिर हम कल सुबह जो है वो जाएंगे शारदा जाएंगे। शारदा के अंदर हमारा एक दिन का, एक से दो दिन में हम एक दिन कायम करेंगे कि अगर हम घूम फिर लिए एक दिन में तो एक दिन, वरना फिर हम दो दिन वहाँ पर मजीद एक और दिन स्टे करेंगे, और फिर हम वापस आएंगे मुजफ़्फ़राबाद। मुजफ़्फ़राबाद से फिर मरी में फिर हम एक दिन और कायम करेंगे, और फिर पिंडी से फिर हमारी यकम तारीख को इंशाल्लाह हम रवाना हो जाएंगे लाहौर के लिए। लाहौर में हम रहेंगे 2 से 3 दिन। लाहौर में अच्छी खासी घूमने की जगह हैं, और यहाँ के मुकाबले में वहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार होगा, ठंड ज़्यादा नहीं होगी, तो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त भी होगी। यहाँ तो इस वक्त भी लेदर वाले ग्लव्स के अंदर भी हाथ हमारे बर्फ़ जैसे हो गए, लेकिन जो कहते हैं ना कि बर्दाश्त ही किया जो एक्सट्रीम पे ना जाए, तो हम तो बर्दाश्त थोड़ा सा कर रहे हैं, सख जान देखते हैं कि हमारी हम कितने सख जान हैं, और बस देखें इंशाल्लाह। आज हम जा रहे हैं मुकाम, तकरीबन 3 सवा 3 घंटे का रास्ता है, 10 मिनट का ये स्टे बीच में लेते हैं किसी एक जगह पे, होटल वगैरह में वहाँ पर इंशाल्लाह। और हमने सफ़र में हमने तय किया हुआ कि भाई हम नाश्ता नहीं करेंगे, और नाश्ते के बगैर जाएंगे, क्योंकि अगर नाश्ता कर लें तो, क्योंकि हमें इलाकों से मानूस नहीं है तो वो वॉमिटिंग वगैरह का भी होता है। तो जब भी आप भी आएँ तो कोशिश करें कि अगर सुबह में सफ़र कर रहे हैं तो नाश्ता वगैरह ना करें, हल्की सी कोई खुराक ले लें, जिसका फ़ायदा ये हो कि आपको एनर्जी पूरी हो, और वहाँ जब पहुँचे तो आप यानी रस्ते में वॉमिटिंग वगैरह फील ना हो। तो हम वहाँ जाएंगे अट मुकाम में, इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे, भरपूर नाश्ता करेंगे, ताकि क्योंकि उसके बाद हमारी ट्रैवलिंग नहीं होगी, बस वो हाइकिंग वगैरह होगी, वादियाँ वगैरह हम घूमेंगे। चले मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अट मुकाम में, और रस्ते में इंशाल्लाह हम वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। फरकान साहब की हमने जिम्मेदारी लगाई है कि वो ये आपको अट मुकाम के रस्तों के जो है वो मुख्तलिफ मनाजिर आपको दिखाएँ। ठीक है, मिलते हैं अट मुकाम में। नीलम का आवाज़ हो गया यहाँ, बोर्ड लगाया हुआ उन्होंने वेलकम टू नीलम। अस्सलाम वालेकुम जी, और हम इस वक्त मौजूद हैं अट मुकाम में, फरकान साहब साथ मौजूद हैं, और अट मुकाम पे आपको हमें दिख रहा होगा कि दरियाए नीलम है, दरियाए नीलम के पास हम पहुंच चुके हैं,
और बड़ा ही खूबसूरत पानी है। कर रहे हैं जाने की, नीचे नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से, और मिल रहा नहीं है तो जो हम जाए नीचे, बस हमें रास्ता मिल गया है, रास्ते की तलाश में। और ये लकड़ी ये जो है और इस जगह की खसूसियात ये है कि ये दरख्त से लकड़ी कटती है, और ये लकड़ी का नाम क्या है, बहुत मशहूर लकड़ी है ये। हाँ नाम तो मेरे ध्यान से भी निकल रहा है। हाँ देवार, देवार देवार की लकड़ी है ये। नाम गलत हो जाए तो हमारी गलती को माफ कीजिएगा, क्योंकि हम नीचे उतर रहे हैं। ओए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार एक बताने दो, इसकी खसूसियात ये है कि इसमें दीमक नहीं लगते। हाँ बड़ी बेहतरीन वो। चले हम थोड़ी सी आपको थोड़ी देर बाद बात करते हैं, हम नीचे पहुँच जाए पहले। अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ पे मौजूद हैं दरियाए नीलम पे, और ये हो सकता है ये जो दरिया है ये दरिया चलते हैं, लेकिन ये बर्फ मनफी में टेम्परेचर है यहाँ का। यहाँ का टेम्परेचर जो है -6 अप्रॉक्स, -6 चल रहा है यहाँ का टेम्परेचर, और हो सकता है कि अगर यहाँ पे पैर रखें तो बर्फ़ टूट के ही अंदर चले जाए। उबैद क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें और जगह मिल गई है जिधर से हम दरिया की तरफ बुक करेंगे, तो आ जाएं फरकान हम दरिया की तरफ। ओके अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच गए हैं यहाँ दरिया के करीब, और यहाँ का माहौल बहुत, टेम्परेचर -6 और हर जगह बर्फ ही बर्फ हमें देख रहा है, जहाँ पानी रुक रहा है वहाँ बर्फ़ बन जा रहा है ये, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे। बैठ, आप यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहेंगे, लोग यहाँ मतलब कोऑपरेटिव मिले हमें है? बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के लोग, और पहुँच गए यहाँ पे दरिया के पास, और ये बिलाकर दरिया के किनारे हम पहुँच गए, और बड़ी तकलीफ करनी पड़ी है यहाँ पे पहुँचने के लिए, और पहाड़ के बिल्कुल दामन में, दो पहाड़ों के बिल्कुल दामन में संगम में जो है वो ये दरिया नीलम है। बड़ा तेज रफ्तार है, इधर गए चटानी को हम यहाँ चटान तक गए, लेकिन अगर पानी के अंदर पैर यहाँ गहरा पानी है, और कैमरे की आगे शायद आपको सही तरह से दिखा नहीं पा रही, लेकिन पानी बहुत गहरा और इंतहाई चीज है, और अगर पानी के अंदर हम जाएँ तो हो सकता है पानी खींच के जो है वो अपने बहाव की तरफ ले जाए। पानी इस वक्त इतना ठंडा है कि वैसी मंथी टेम्परेचर के अंदर मौजूद है, बर्फ बन गया साइड में, साइड में बर्फ है, ये देखें ये देखें ये साइड पे ये बर्फ बन चुका है ये, और स्लिप कर रहा है पैर, अगर पैर रखें तो बर्फ के ऊपर। क्या हाल है भाइयों, ठीक है? और ये हम पहुंच चुके हैं दरिया नीलम के किनारे, मौजूद है पानी हमसे बस चंद इंच नीचे पास से वो बह रहा है, और ठंड बहुत है, आपको दिखाया कि बर्फ़ जम चुकी है यहाँ पे। फुरकान साहब जा रहे हैं पानी को टच करने, क्योंकि इनकी चीज़ें निकलेंगी वो देखते हैं हम। बर्फ, ओह वेरी गुड, बड़ा ही अच्छा मंजर है, और अब तक के पूरे सफ़र में सबसे बेहतरीन जगह लगी है। झीलें तो हम देखेंगे और तस्वीरें लेंगे, उसकी मरी भी जाएंगे, लेकिन दिस पॉइंट इज ऑसम, और ये एक बड़ी अच्छी जगह है, और मीठा भी ये, अगर आप देख सकें मैं आपको दिखाता हूँ, ये चट्टानों पे बर्फ़ जम चुकी है इस वक्त, ये चट्टान जैसा पानी टकराता है, बर्फ़ जम चुकी है, यहाँ के टेम्परेचर की वजह से बहुत शदीद ठंड है इस वक्त, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, और लेकिन बस चल रहे हैं, कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ये आपको दिखाएंगे फुरकान, चले जी आपसे तो बात होती रहेगी हमारी, अब हम थोड़ी तस्वीरें खिंचवा लें, बड़ा यादगार मौका है हमारा, और ये फुरकान साहब टेक केयर करते हैं अल्लाह। और ये लकड़ी दरियाए नीलम से होने के बाद दरियाई कटाई का मंजर देख के हम
ऊपर पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें अब में ये पहाड़ है और ये पहाड़ी रास्ता है, इस पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं। फुरकान साहब मेरे साथ हैं, बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हक अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई हम चढ़ाई की जानिब चढ़ रहे हैं, यहाँ बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, गीला रास्ता है, स्लिप होने की सूरत में हम बहुत नीचे जाके गिरेंगे, तो बड़ी एहतियात से चलना पड़ रहा है। ये फुरकान साहब चढ़ रहे हैं, गोगे कह रहे हैं कि बड़ा मसला नहीं है, लेकिन रास्ते मुझे कह रहे हैं कि इनके टांगों में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कामों में ऐसा तो होता है। लेट सी कि हम कितनी आसानी से ऊपर पहुँचते हैं। अल्लाह अकबर, हाँ थोड़ा ऊपर तो हम आ गए। ये फुरकान साहब पीछे पीछे चल रहे हैं, स्लिप होने के नीचे में कोई सीधा दरिया में गिरेंगे हम, स्लिप हो गए, लकड़ियाँ बीच में गोगे लकड़ियाँ हैं हमारे पीछे, बुझा लेंगे एक दूसरे टकराने के नतीजे में भी, हाँ अच्छा खासा नुकसान होगा। अल्लाह अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। चले जी ऊपर, थोड़ा सा मुश्किल सवार है, गुजार लें फिर आपसे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़ फुरकान, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अब हम मौजूद हैं आठ मुकाम में और हमने यहाँ ज़ुबैर भाई की मेहमान नवाजी हमारी कर रहे हैं ज़बरदस्त अंदाज में, और इस वक्त हमने ये आग जलाई हुई है हमारे पीछे, अलाव देख रहे होंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ज़रिए जो है वो हम थोड़ी सी आग से तपिश लें। रात यहाँ बड़ी ठंडी है, मनफी का टेम्परेचर है, पानी जो है वो बर्फ़ की सूरत अख्तियार कर रहा है, और ये हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान भाई और ज़ुबैर भाई, ये दोनों मौजूद हैं। ज़ुबैर भाई हमारे में मेज़बान है, मेहमान नवाजी हमारी कर रहे हैं बड़ी शानदार अंदाज में, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है हमें। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त आग जलाई हुई है, और आग से हम लोग संदोज हो रहे हैं इस वक्त। यहाँ जिस तरह की इस वक्त ठंड है, यहाँ ये आग जो है वो बड़ी कारामद है, इससे बेहतर आपके पास जो है ना वो इस आग से बेहतर आपके पास इस वक्त कोई भी जो है ना वो ज़रिया नहीं है जिससे आप ठंड से बच सकें। तो बेहतरीन आग जल रही है इस वक्त, ये दरख्त की लकड़ियों से, और ये आप देख सकते हैं दरख्त की लकड़ियाँ वगैरह ये जला के हम बैठे हुए, और यहाँ कुछ ही देर में इशा का वक्त भी हो जाएगा, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे और खाना खा के फिर हम आराम करेंगे, और कल हमारा जो है वो इंशाल्लाह इरादा है कि हम जाएंगे शारदा की तरफ, ज़ुबैर भाई के साथ ही इंशाल्लाह इरादा है, उनके साथ ही हम एक गाड़ी करेंगे और गाड़ी के ऊपर हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो ज़ुबैर भाई हमारे कराची के साथियों के और बाकी साथियों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? हम तो अपने सारे भाइयों को एक तो अपनी तरफ से अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से उनके लिए यही पैगाम है कि वो नीलम के इस मौसम हसीन वादी को, आज के इस मौसम को भी इंजॉय करने के लिए बेशक तशरीफ लाए, और उसमें बाहर में और गर्मा में स्पेशली, क्योंकि यहाँ सर्दा होता है, अबशारें होती हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की झीलें हैं उनको देखने के लिए बेशक तशरीफ लाए, से यही दावत आम है, हम इस हद तक हो सके खिदमत करेंगे इन शिदमत के लिए, तो जो खिदमत है इसलिए फुरकान भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई, इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाती रही कि कराची के आवाम के लिए कि आए वो यहाँ सैर व तफरी के लिए, बहुत अच्छे लोग भी बहुत अच्छे हैं, आगे मिलने वाले और आगे बढ़ के खदमत करने वाले लोग, हेल्प करने हर तरीके से, घूमने की बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। ये तो बिल्कुल ठीक कहा फुरकान आपने कि बड़ी अच्छी जगह है ये, और बस अब मैं कैमरा पकड़ पकड़ के थक गया हूँ, और आग पीछे लगी हुई है तो मेरी ख्वाहिश है कि इससे जितना ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ वो हो जाऊँ, तो इंशाल्लाह कल हम जब शारदा की तरफ जा रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपसे फिर हम बात भी करेंगे, और ये सब साथी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। ठीक है जी,
جب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ کل آپ سے.